डीआरडीओ सेप्टम 9 टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले कुछ दिनों से मेरी आप सेशन चल रही है प्रैक्टिस की और परीक्षा के तारीख नज़दीक है, तो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस लेकर आता हूं। आशा करता हूं आप सभी को जो है समझ में आता होगा, और जिनको जहां भी दिक्कत आ रही है वो मुझे कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है डे 4 और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके बन सकते हैं। तो वो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयरली के कुछ एग्जाम्स के, डीआरडीओ के नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं, तो उसको हम देख लेंगे तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। एम्पियर सेकंड इकाई होती है, जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वही होगा। इसी से संबंधित दूसरी भाषा में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन कॉमन चीज वो है कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वो नहीं बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, बस केवल और केवल जो उसका तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एम्पेयर सेकंड इकाई होती है। अब हम बात करें एम्पेयर सेकंड की, तो ये एम्पेयर सेकंड क्या है? यहाँ पर मुझे पता है कि एम्पेयर जो है वो करंट की इकाई है यानी कि आई, और सेकंड जो है वो समय की इकाई है यानी कि टी यानी कि टाइम। तो यहाँ पर करंट गुना में टाइम हो गया, जो कि बराबर होता है चार्ज के, जो कि बराबर होता है चार्ज के। तो दिए गए रिलेशन से स्पष्ट है आई बराबर क्यू बटे में टी, तो क्यू बराबर आई गुना में टी, यानी कि जो है इसका आंसर हो जाएगा कूलम। थोड़ा इसको देख लेंगे अच्छे से, कई बार ये पूछा जा चुका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताना चाह रहा है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की परिस्थिति में, मैंने बताया था ना टाइप ऑफ सर्किट लिखवाया था ना उसमें करंट और रेजिस्टेंस, क्या होगा आंसर? इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑप्शन में विभिन्न प्रकार की चीजें लिखी होगी। मैं आपको स्पष्ट ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिया, नहीं। कई बार पूछने का तरीका अलग होता है, जरूरी थोड़ी ना है जो हमारे दिमाग में है वही एग्जामिनर के दिमाग में है। हो सकता है वो किसी और विधि से पूछना चाह रहा है, वो कोई और अर्थ लगा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चन को टाइम देने पर। जब हम एक क्वेश्चन को थोड़ा बहुत टाइम देंगे और पूरा ऑप्शन पढ़ के ये समझ लेंगे कि वो कहाँ तक और क्या निकलवाना चाह रहा है, तो इससे हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट, यानी शॉर्ट सर्किट की परिस्थिति में धारा की मात्रा होती है। तो चित्र दिख रहा है, आंसर भी लिखा हुआ है, और टाइप्स ऑफ सर्किट में आपको बताया गया था, तो उससे स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो शॉर्ट सर्किट होता है एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें बिना प्रतिरोध के धारा का मार्ग पूर्ण हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस की मात्रा जीरो और करंट की मात्रा अनंत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर करूं, रेजिस्टेंस की मात्रा जीरो, सही लग रहा है वर्ड सुनने में? नहीं ना। किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, चाहे माइक्रो में हो, चाहे मिली में हो, चाहे नैनो में हो, लेकिन होगा। तो यहाँ पे आर की मात्रा शून्य क्यों लिखी भाई, क्या चक्कर है? इसको समझते हैं जरा। जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट सर्किट की, तो यहाँ पे धारा की मात्रा क्या है? अनंत है, यानी कि उसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध की मात्रा होती है, वायर की रेजिस्टेंस बचेगी केवल, लेकिन धारा की मात्रा बहुत बड़ी होने के कारण क्या होता है कि इस प्रतिरोध की मात्रा को नेग्लेक्टेड कर देते हैं, यानी कि ना के बराबर मानते हैं, इसीलिए इसको आर बराबर शून्य कहा गया है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आंसर देने का प्रयास करिए कि वो कैसे क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, विद्युत द्वारा लगी आग, याद आ रहा है कुछ टाइप ऑफ फायर पढ़ा था मैंने, विद्युत द्वारा लगी आग में कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग होगा? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत द्वारा लगी आग कौन से वर्ग में आती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग हो रहा है उसमें कौन सा पदार्थ भरा हुआ है। ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आएंगे, ड्राई पाउडर, पानी, रेत, इस तरह से। तो अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है या फिर उसमें CTC लिखा हुआ है, तो वो आंसर आपका जो है वो सही माना जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार इसरो की परीक्षा में भी पूछा गया है प्रश्न, और कई
दूसरे प्रश्न पेपर परीक्षा में भी पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत बेसिक है, लेकिन आपको मेरिट में अंक दिलाने का कार्य यही करेगा। अच्छा, आगे बात करते हैं प्राइमरी सेल में। ये अभी मैंने कराया नहीं है, लेकिन आगे आएगा। प्राइमरी सेल होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जाते, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जाते, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन दोहराई नहीं जा सकती। अणु उत्क्रमणीय होती है, अणु उत्क्रमणीय होती है यानी कि उसको दोबारा से हम दोहरा नहीं सकते। प्राइमरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन प्राइमरी सेल द केमिकल रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल, जो दोहराई नहीं जा सकती। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिए एक बार दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 5, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक वर्ड है परमेबिलिटी। क्वेश्चन के पढ़ते ही, दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन के पढ़ते ही दिमाग में एक चित्र सा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन के पढ़ते ही दिमाग में एक चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। यदि ऐसा हो गया तो क्वेश्चन को हल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कब होता है? जब प्रयास, ऐसा कब होता है? जब प्रयास बहुत ही ज्यादा किया गया हो, ऐसा तभी हो सकता है। नहीं तो ये नहीं, फटाफट पलट कर देख लिया, चले गए परीक्षा देने। नहीं भैया, और भी बहुत सारी लाइन में ऐसे हैं जो काफी समय से पढ़ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये परमेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉस थ्रू एनी मटेरियल। जो भी चुंबकीय बल रेखाएं पार होती है तो वो कितनी है, क्या है, किस मात्रा में है, तो वो मैं आपको परिभाषा में बताऊंगा डिटेल में। तो यहां पर सिर्फ बात करेंगे परमेबिलिटी की। पैरामैग्नेटिक तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ का समीकरण होता है। डीसी मशीन में ईएमएफ का समीकरण होता है। तो ईएमएफ जो होता है वो बैक ईएमएफ भी होता है मोटर में, और जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ होता है। तो लेकिन यहाँ पर डीसी मशीन में जो समीकरण होगा वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, या फिर उसमें ये पूछ सकता है कि ईएमएफ निर्भर करता है, तो उसमें ये चीजें भी आ सकती है, या फिर समीकरण पूछेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या याद रखना है, जेड एन पी फाइव बटे में 60A, जेड एन पी फाइव बटे में 60A। तो यहाँ पर हम देखेंगे जेड क्या है, एन क्या है, पी क्या है, फाइव क्या है और ए। यहाँ पर जो जेड है, ये जेड है चालकों की संख्या, और जो n है वो n है गति आरपीएम में, इसलिए 60 लगा हुआ है। गति जो है वो है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, और p जो है वो है पोल्स की संख्या, और phi जो है वो है फ्लक्स। कौन से फ्लक्स की बात कर रहा है? फील्ड फ्लक्स की बात कर रहा है। a का मतलब है पैरेलल पाथ की संख्या। डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। वो दिया हुआ रहेगा, यदि इससे न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसमें आपको एक खुद ही पता होना चाहिए कि पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशन होता है जेड एन पी फाइव और 60A। अजीब सा लग रहा है, इक्वेशन आसान कर देते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं तो याद करने का तरीका क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। दोबारा से देखिए इसको, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो मशीन की जान है। फ्लक्स जो है वो मशीन की जान है। जान किससे होता है? खून से होता है। जान किससे होता है? खून से होता है। तो इसको हम मान लेंगे खून, ब्लड। यहां पर जेड को बोलेंगे जिंदगी, एन से ने, पी से पीना। जिंदगी ने पिया खून 60 बार, जिंदगी ने पिया खून 60 बार। तो कुछ ऐसी ही तरकीब याद रखेंगे, जैसे भी आपको याद हो सकता हो। ये तो मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल भी इक्वेशन आसानी से याद रहता है। तो जेड एन पी फाइव बटे में 60A। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, आर एल सी परिपथ में रेजोनेंस की परिस्थिति में, आर एल सी परिपथ में रेजोनेंस की परिस्थिति में
ये रेजोनेंस की परिस्थिति क्या होती है? रेजोनेंस की परिस्थिति जब होती है जब आरएलसी परिपथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस बराबर हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस बराबर हो, यानी कि एक्स एल बटे में एक्स सी। ये बराबर होने का मतलब है कि एक्स एल माइनस एक्स सी शून्य हो जाएगा, दोनों का मान शून्य आ जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा? इस परिपथ में केवल रजिस्टर ही तो बचेगा, रजिस्टिव ही तो बचेगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रजिस्टिव लोड की परिस्थिति में जो होता है फेज एंगल क्या होता है? इन फेज होता है। जैसे जैसे करंट चलता है वैसे ही वैसे वोल्टेज चलता है साथ साथ, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इसी कारण फेज एंगल शून्य होने के कारण उसका जो कोण होगा, कोसाइन का मान, वो बनेगा शून्य, जिसका आएगा आंसर एक, यानी कि पावर फैक्टर होगा यूनिटी। ये सारा एसी थ्योरी में डिस्कस होगा धीरे धीरे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं, उसको पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये स्लिप है, स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर, स्पीड ऑफ स्टेटर माइनस स्पीड ऑफ रोटर, यानी स्टेटर और रोटर की जो गति है उसमें जो अंतर है उसे हम स्लिप बोलते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है थ्री फेज मशीन में स्टेटर की अलग होती है, रोटर की अलग होती है, अलग अलग मोटर का अलग अलग हिसाब होता है, वो मशीन में डिस्कशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसरो के एग्जामिनेशन में, JVNL में और दिल्ली मेट्रो में भी पूछा गया। तो ये एक मुझे लगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कराना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन सीधा सा बनता है, एस डॉट एफ या एफ डॉट एस जो भी है, एक गुणनफल में होगा कि स्लिप गुना में फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे, यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड होती है, यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आपको जो है एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, उसमें जो स्पीड कंट्रोल मेथड है वो आपको पढ़ के रखना है, या उसके टेस्ट के बारे में पढ़ के रखना है। बाकी हम बात करेंगे मशीन्स के चैप्टर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड होती है। यूनिवर्सल मोटर आप सभी को पता होगा, ये एक हाई आरपीएम मोटर होती है, जिसमें जो है 3000 से 14000 RPM तक की स्पीड होती है, फूड मिक्सर में यूज़ की जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फील्ड से टेपिंग निकाल कर 1 2 3 स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न चेंज होता जाएगा उसमें फील्ड में फ्लक्स बनता जाएगा और वैसे उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड टेपिंग यूज़ होती है यूनिवर्सल मोटर में, और फिर यूनिवर्सल मोटर जो है वो कहाँ यूज़ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर आपको पता होना चाहिए, सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो पावर फैक्टर में सहयोग करती है। सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है, जिसके स्पीड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। केवल और केवल एक्साइटेशन करंट चेंज करके, केवल और केवल एक्साइटेशन करंट को चेंज करके पावर फैक्टर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर में एसी तथा डीसी सप्लाई दोनों का प्रयोग होता है। यही एक कारण है कि सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज होते हुए भी सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, थ्री फेज होते हुए भी सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। या तो हम इसको 3/4 HP यानी कि 0.5 HP की मोटर से सेल्फ स्टार्ट कर लेंगे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चंस कनेक्ट कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी बनाना, और फिर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, याद रहे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन पता ही होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन में बिना लोड के चलाई जाती है तो वह सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। जब सिंक्रोनस मोटर बिना लोड के ओवर एक्साइटेशन में चलाई जाती है तो वह सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। तो ये चीज़ आपको रिमाइंड रखना है और अपडेट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। डीसी सीरीज
जनरेटर में डीसी सीरीज जनरेटर में यदि लोड कनेक्ट नहीं है, डीसी सीरीज जनरेटर में यदि लोड कनेक्ट नहीं है तो जनरेटेड ईएमएफ होगा। डीसी सीरीज जनरेटर में यदि लोड कनेक्टेड नहीं है तो जनरेटेड ईएमएफ होगा। डीसी सीरीज जनरेटर का आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग और लोड सभी आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। डीसी जनरेटर का काम जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर की तरह इसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई लोड कनेक्टेड नहीं है, एक बात बताओ यार, सीरीज पूरा नहीं हुआ, ईएमएफ उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो जो भी ईएमएफ हमें प्राप्त होगा उसकी मात्रा होगी जीरो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, कई बार पूछा जा चुका है और परेशानी यहीं पे आ जाती है, टाइम बर्बाद कर देते हैं इसको करने में। मैं आपको आज बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस या दो इंडक्टेंस जो भी लगे हुए, तो यहाँ पर एक लोड की बात करनी है कि आपके दो कॉइल लगे हुए जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई 1000 वाट की, दूसरी कॉइल लगी हुई 1000 वाट की, सीरीज में जुड़ी हुई है जिसको 250 वोल्ट जो जो है दिया गया है, 250 वोल्ट दिया गया है। तो अब इसमें सीरीज में है तो आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में कुल पावर खपत होगी, दिए गए चित्र में कुल पावर खपत होगी। अब भाई ये क्या पूछ लिया भाई, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और टोटल पावर पूछ रहा है, ये कैसे हो गया? यहाँ पर आप क्या करोगे कि पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे या करंट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसका पावर अलग निकालोगे, इसका पावर अलग निकालोगे, इसका पावर अलग निकालोगे, इसका पावर अलग निकालोगे और फिर उसको ऐड करोगे, तब लास्ट में रिजल्ट आएगा। इतनी देर में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन फेस हो, कंडीशन क्या है, वाटेज सेम होनी चाहिए दोनों की, या फिर वैल्यू सेम होनी चाहिए और सीरीज में जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टोटल पावर बराबर हो जाएगी P/2, टोटल पावर हो जाएगी P/2, 1000 वाट की है ना, 1000/2 यानी 500 वाट इसका कुल पावर खपत आ जाएगा। किसी भी विधि से निकाल लेना, आंसर यही आएगा। बाकी विधि में टाइम खर्च होगा और इसमें टाइम कम खर्च होगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नोट करिए, आगे चलते हैं।